हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैंने मेरा जो पूरा एजुकेशन है वो बेंगलोर में निमास में किया है और चंडीगढ़ में पीजीआई में मेरा एमडी किया हुआ है। पिछले 34 साल से मैं अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियाँ ठीक करते हैं और उसके लिए रिश्तेदारों के साथ मनोरुग्णों को, पेशेंट को एडमिट करते हैं। अभी हम और एक नया हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं और वो हॉस्पिटल में हम रिश्तेदारों के बिना पेशेंट को रखने वाले हैं, वहाँ भर्ती करने वाले हैं, एडमिट करने वाले हैं और उनका इलाज करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को ये परेशानी होती है कि भाई पेशेंट के साथ में रहना, 10-15 दिन समय लगता है उसको अच्छा होने को, तो फिर कैसा रहना इतने दिन। तो फिर बोलते कि भाई आप ठीक करो पेशेंट को और हमको बाद में इतला दे दो, हम आके उसको लेके जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मनोरुग्ण जो है वो घर में बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, तोड़फोड़ करना, ऐसा कभी हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बोलते कि नहीं, महीना दो महीने इसको रखो, हमारे घर में कोई शादी है, हम बाहर गाँव जा रहे हैं, लोग आने वाले, मेहमान आने वाले, उसको वहीं रखो। तीसरा ऐसा है कि घर छोटा रहता है और ये मनोरुग्ण घर में रहा तो प्रॉब्लम आता है, छोटे घर में बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, इसलिए बोलते कि नहीं आपके यहाँ इसको रखो, हम जो भी खर्चा है वो दे देंगे। फिर हम हमारे यहाँ पेशेंट को रखते हैं, महीना, दो महीने, तीन महीने, जितना भी दिन वो रख सकते उतने दिन उनको इलाज करते, दवाई देते हैं और पूरा इलाज करके उनको अच्छा करके, यदि उनको लेके जाने के लिए समय लगता है तो उनको कुछ ना कुछ कौशल्य सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं, लाइक उनका टेलरिंग का स्किल हो या कोई समझो फाइल बनाना है वो स्किल हो या कोई भी ऐसे छोटे मोटे काम सिखाते हैं, उनको गार्डनिंग सिखाते हैं ताकि जब वो वापस जाएंगे तो वो अपनी कमाई कर सकेंगे। तो मनोरुग्ण जो है वो उनको हम रखते हैं बिना रिश्तेदारों के, मतलब उनके साथ में कोई रहता नहीं रिश्तेदार, तो उनको रखते हैं। या फिर शराब का नशा जिनको है और उनको घर में रखना बहुत मुश्किल है, कंट्रोल ही होता नहीं है, बहुत ज़्यादा पीते रहता है, सुबह दोपहर शाम पीते रहता है और उसको घर में रखना, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो लोग हमारे यहाँ ला के भर्ती करते हैं और दाखिल करने के बाद में उसको हम इलाज करते हैं और इलाज करके फिर वो महीना दो महीने के बाद में उनको वापस लेके जाते हैं। तो ऐसा हमारा जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में ये पूरा इलाज होता है। यहाँ अलग अलग मतलब व्यवस्था है, उनको साइकोथेरेपी होती है, उनको ग्रुप मीटिंग होती रहती है, उनको हम सुबह नाश्ता चाय देते हैं, फिर दोपहर को खाना, रात को खाना, दोपहर में चाय, उनको मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था है और उनको पढ़ने के लिए अखबार आते हैं अलग अलग, उनको मतलब वीकलीज वगैरह मासिक मिलते रहते हैं, उनको पढ़ने के लिए किताबें हैं और उनको कोई भजन कीर्तन वो भी हम करवाते हैं। ऐसी तरह से उनका समय जाता है, कुछ कला सीखते हैं वो और वो दवाई लेके अच्छे हो जाते हैं। उनको लाइक फैमिली थेरेपी भी हम देते हैं, जब फैमिली उनकी आती है तो साइकोथेरेपी देते हैं, उनके कोई टेस्ट लेते हैं और उनको अच्छा करके उनको घर पे भेजते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की परेशानी इससे दूर होंगी। आपके परिचित ऐसे कोई लोग होंगे तो ज़रूर ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा, उनको अपना पेशेंट, एक तो शराब का नशा हो या गांजा, अफू, चरस, ब्राउन शुगर वो नशा हो या फिर मनोरुग्ण हो, उसके लिए उनको एक स्थान मिलेगा, एक ऐसी जगह मिलेगी कि उसकी केयर हम लेंगे और उसको अच्छा करके घर में भेजेंगे। और ये मनोरुग्ण जो है और शराबी है, इनके साथ साथ बाकी सर दर्द, माइग्रेन का इलाज, फिर नपुंसकत्व, लैंगिक समस्या, शीघ्र पतन, प्री मैचर इजैकुलेशन, फिर बोलने में हकलाना, सोशल एंग्जाइटी या फोबिया, मतलब बाहर रास्ते पे जाना, समाज में जाना, लोगों से मिलना जाना उसमें डर, हार्ट अटैक का डर, या फिर फिट्स, चक्कर आना, या बार 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 वही 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 विचार आना जिसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या पूरा पागलपन, या उन्माद, हर्षवायु, ऐसे अलग अलग तरह के इलाज। और अभी वृद्ध लोगों में जो समस्या आ गई, भ्रम का इलाज हो गया, उनको भ्रम हो जाता है और स्मृति भ्रंश होता है, डिमेंशिया, उसका इलाज, तो वो भी हम लोग रखते हैं। जैसा वृद्ध लोगों को घर में रखना मुश्किल हो जाती है तो उनको भी हम रखते हैं, उनका इलाज करते हैं ताकि
लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिले। इसलिए आप ये ज़रूर वीडियो आपके जानकारी के जितके लोग जितने भी लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरे काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पे है, वो भी आप देख सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोज़ है, मनोरुग्ण जो है मनोरोग उसके बारे में वीडियोज़ है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।